रामपुर में कुकरम का विरोध करने पर दो युवकों ने किन्नर की हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने 4 माह बाद हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आला कत्ल समेत एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपित को पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। मामला रामपुर के थाना स्वार का है। 28 अगस्त 2019 को क्षेत्र के गांव मिलक काजी निवासी 32 वर्षीय इमरान उर्फ नीतू घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा, जिस पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी और परिजनों को लहूलुहान हालत में उपनगर मसवासी के क्षेत्र में मिला था। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने परिजनों की और अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घटना के खुलासे में लग गई थी, लेकिन 4.5 माह बीत जाने के बाद भी हत्या का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा एवं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। पुलिस ने बताया कि भागने के फिराक में खड़े मसवासी चौराहे से एक युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मानपुर उत्तरी निवासी सुलेमान व एक अन्य बताया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर आला कत्ल लोहे की रॉड बरामद कर आज जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। सीओ ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि मृतक किन्नर से दुष्कर्म का दबाव बनाया तो उसके विरोध करने पर उक्त आरोपियों ने लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। एक आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। स्वार में 28/8/19 को एक इमरान नीतू नाम के व्यक्ति को, लड़के को, 32 साल उसकी उम्र थी, उसको दो लोगों ने, सुलेमान और इसके साथी ने, चाय के होटल से इसको ले गए थे दो बुरे काम की नीयत से। इमरान कभी कभी नाच गाने का काम भी करता था जनाने कपड़े पहन के, तो इनकी बुरी नीयत थी दोनों की, और इन्होंने उसको जंगल में ले जाके उससे प्रयास किया बुरा काम करने का, उसने मना करा तो उस पर इन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। सुलेमान को यहाँ स्वार की पुलिस द्वारा मैं उसके आला कत्ल के गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सराहनीय काम है ये, अन वर्कआउट केस था यहाँ का, बहुत ही टिपिकल परिस्थितियों में था, कोई सुराग नहीं था, तो इन्होंने बहुत मेहनत से सुराग से इंस्पेक्टर स्वार हुआ SSI। आरोपी कितने थे? तो आरोपी हैं, एक गिरफ्तार किया जा चुका है, एक के लिए तलाश जारी है, उसके लिए टीम गठित है, शीघ्र ही पकड़ लेंगे। बहुत सनसनी खेल जी। टीम के लिए कोई इनाम की घोषणा? हाँ, टीम कप्तान साहब के द्वारा इसी टीम को इनाम पुरस्कार दिया जाएगा, उसके लिए साहब ने आश्वासन दिया हुआ है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।